सभी मेरे कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करने वाले प्यारे विद्यार्थियों और मेरे सभी दोस्त जो आगामी कृषि पर्यवेक्षक की धुरंधर तैयारी में आप जो लग रहे हो, मैं आज ये पहली कक्षा आपके ही लिए बिल्कुल कड़ी मेहनत और अतिरिक्त समय निकालकर प्रारंभ कर रहा हूँ। चलते हैं आज के, मैं जो पहली क्लास होगी वो एग्रीकल्चर से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी 11th एग्रीकल्चर बुक के साथ में। आप ये ना सोचे कि बुक बुक के अलावा भी आपको एक्सप्लेन करने का पूरा पूरा अवसर मैं रेस आपसे करूँगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा मैं, क्योंकि जो सिलेबस है उसके अंदर दिया हुआ है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ये है अपना सिलेबस और यही सेम सिलेबस आपके कृषि पर्यवेक्षक में लिखा हुआ है, जहाँ तो आप कंफ्यूज नहीं हो। पहला इकाई के अंदर है आपके भारतीय कृषि का इतिहास एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र, तो बेसिक सी जानकारी अपने को आज लेनी है कि कृषि होती क्या है, भारत में कृषि का इतिहास क्या रहा, किस तरह से खेती पूर्व में की जाती थी, इसके क्या लाभ थे और वर्तमान में कृषि में कितना चेंज हुआ, ये मोटी मोटी चीजें अपन बात करेंगे इस पर। तो पहला ही टॉपिक लेते हैं अपन, भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं, महत्व और क्षेत्र। शायद आपको सबको अच्छे से दिख रहा होगा पीडीएफ। ये पहला ही और 11th बुक का पहला ही टॉपिक है, तो अपन बात करते हैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, कि यहाँ पे आपका हो जाता है माने भूल होती है किससे नहीं होती। तो मैं सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी देता हूँ, ये आप अपने बुक्स के अंदर भी आप देख सकते हो और आप क्लास में देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कि सबसे मोटा क्वेश्चन सुनते हैं कि भारत की 75 या 70% जनता जो मानव है वह कृषि पर डिपेंडेंट है, यानी कि कृषि से रिलेटिव, एग्रीकल्चर से रिलेटिव कोई सा भी काम हो उससे वह अपने जीवन की समस्त प्रकार की आजीविका के साधन किसी ना किसी रूप से वह एग्रीकल्चर से 70% तक जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल से ही भारत कृषि प्रधान देश रहा है, ये आपको पढ़ा है आराम से, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अन्य देशों में भी कृषि होती थी लेकिन भारत की तो एक लॉन्ग बहुत लंबी हिस्ट्री है जो अपन आगे पढ़ेंगे। भारत में प्राचीन ग्रंथ ये तो यजुर्वेद, कृषि पारासर, ध्यान रखना इनको अंडरलाइन कर लो। भारत में किन प्राचीन ग्रंथों में कृषि काल उल्लेख मिला, एक तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा सीधा भारत के किन ग्रंथों में, भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें कृषि का उल्लेख मिला, तो यहाँ है वृक्षा, यजुर्वेद, कृषि पारासर, यह ध्यान रख लेना इस चीज का, कृषि पारासर, कृषि सूत। पिछली बार क्वेश्चन पूछा था चावल को संस्कृत में क्या कहा जाता है, गेहूं को क्या कहा जाता है, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे आपसे। यजुर्वेद में, ऋग्वेद आदि में अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय से ही कृषि भारत में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। खाद्य संगठन AFO के कृषि विशेषज्ञ रह चुके KL मेहरा ने बताया कि सरस्वती नदी, कौन सी नदी, सरस्वती नदी के उद्गम का पता लगाने के बाद शोध यह प्रमाणित हो गया कि भारत प्राचीन काल से एक साथ दो फसलें देने वाला, ये अंडरलाइन कर लेना, किसके अनुसार भारत में एक साथ दो फसलें लेने वाला दुनिया का पहला देश था,
किसके अनुसार भारत दुनिया में एक फसल के साथ दो फसलें लेने वाला दुनिया का पहला देश भारत है, और किसके अनुसार है? डॉक्टर केल मेहरा के अनुसार भारत में एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी। डॉक्टर केल मेहरा के अनुसार भारत में एक फसल के साथ दो फसलें उगाई जाने वाला दुनिया का पहला देश है। इस तरह यह भारतीय कृषि सभ्यता एवं विश्व की प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। इसलिए यह भारत की प्राचीन कृषि सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम, यानी कि विश्व वर्ल्ड की सबसे प्राचीन सभ्यता भारत की कृषि सभ्यता मानी जाती है। मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि द्वारा ही होती है। आपको पता है खाने के लिए अपने को चाहिए जो भी कृषि से सब प्रकार की गेहूं, दाल, जौ, चना, तेल, सब जो भी अधिक कांस खाने योग्य चीजें हैं वो कृषि से ही मिलती हैं। जैसे आहार हो गया आपका, वस्त्र, आवास सहित अभी सब आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग से होती है। कृषि आधारित उद्योग से होती है। प्राचीन समय से ही राज्य व्यवस्था के चलाने में, यानी कि पुराने जमाने में राजा के राज हुआ करते थे, यानी कि तो राज व्यवस्था चलाने में कृषि को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उसी समय भी कृषि का इतना ही महत्व था जो वर्तमान में है। महाभारत के सभा पर्व में, अंडरलाइन कर लेना, बहुत ही अच्छा है। महाभारत के सभा पर्व में ऋषि नारद युधिष्ठिर से कहते हैं, ऋषि नारद युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, कृषि को सुधारने हेतु स्थान स्थान पर कुएं, कुएं, बावड़ी, तालाब इत्यादि खुदवाएं, ताकि आपके राज्य में कृषि वर्षा पर ज्यादा निर्भर ना रहे, ताकि आपके राज्य ज्यादा वर्षा आद कृषि वर्षा पर ज्यादा निर्भर ना रहे। ये क्वेश्चन पिछली बार सुपरवाइजर में पूछा गया था। प्राचीन ग्रंथों में ध्यान रखना, ये पुराना क्वेश्चन है, तो इससे मैं कह रहा हूँ कि इस पेज में से क्वेश्चन तो पुट अप होना है, एक क्वेश्चन ही आएगा पर आएगा। प्राचीन ग्रंथों में अक्षत किसे कहते हैं? चावल को कहते हैं। इनको अंडरलाइन करना, अक्षत मैंने क्या होता है? चावल लिख लेना। अक्षत मैंने चावल होता है, कनक मैंने गेहूं होता है, कनक मैंने गेहूं होता है, जो तिल, श्रीफल, ये अंडरलाइन कर लेना, श्रीफल नारियल को कहते हैं, और हल्दी, चंदन, इख, राई, मेथी, सूत, सूत कपास को कहा जाता है, इत्यादि का उल्लेख किया गया है। तो आप एक तो अक्षत चावल को याद रखो, कनक गेहूं को याद रखो, और मिलता है तो जो का भी आपको लिख लेना है, कहीं से मिल जाएगा संस्कृत शब्द, और श्रीफल नारियल को कहा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि भारत में कृषि उपज का अस्तित्व हजारों वर्ष पूर्व भी था। ये और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता काल में अवशेषों में कृषि उपज के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कृषि काल में कृषि के उपज के अवशेष, यानी कि कृषि उपज ना कि यंत्र पूछ रहा है यहाँ पे, यंत्र देखो, कृषि उपज के अवशेष प्राप्त भी हुए हैं। निम्न उदाहरण से प्राचीन भारत में उन्नत कृषि ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। उन्नत कृषि ज्ञान जैसे ऋग्वेद की रचाओं में पर्यावरण, वानिकी, कृषि उपकरण आदि का महत्व दर्शाया गया है। कौन से वेद के अंदर या ऋचाओं के अंदर पर्यावरण, वानिकी, कृषि उपकरण का महत्व दर्शाया गया है? सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से किसके अंतर्गत पर्यावरण, वानिकी, कृषि उपकरण का महत्व दर्शाया गया है? तो आंसर में होगा ऋग्वेद। सीधा सीधा आएगी लाइन, निम्न में से किसके अंदर पर्यावरण, वानिकी, कृषि उपकरण आदि का महत्व दर्शाया गया था? तो वहां आ जाएगा ऋग्वेद। दूसरा टॉपिक है मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में, ध्यान रखना, देसी हल जुते हुए खेत निम्न में से किस स्थान पर मिले? ध्यान रखना, देसी हल जुते हुए खेत निम्न में से अनाज के भंडार, पहिए वाली गाड़ी, अवशेष कहाँ पर मिले? तो ये लिखना है आपको, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अगर ये क्वेश्चन आए, मुझे लग रहा है कि ये तो 100% आएगा, ये क्वेश्चन तो 100% आएगा, क्योंकि हिस्ट्री और वर्तमान में जानकारी के और उसके अधीनस्थ के जो पैटर्न है ना, उसके हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन आना आने वाला
मतलब 100% संभावना है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से किस स्थान पर देसी हल, जुते हुए खेत, अनाज भंडारण व पहिए वाली गाड़ी के अवशेष मिले, तो आपको आंसर में होगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, दोनों ही आंसर होंगे। ध्यान रखें यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है, जैसे आपको पूंछ, पेलीबंगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, जहां पे भी है तो आप उनका ध्यान रखें, डी नोट कर ले इस क्वेश्चन को। मोहनजोदड़ो हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है, हनुमानगढ़ और गंगानगर, पीलीबंगा के नाम से भी जानते हैं उधर, तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। अर्थवेद में पादप सुरक्षा, देखो प्लांट पैथोलॉजी का संबंध की जानकारी मिली गई, किस वेद के अनुसार पादप सुरक्षा की संबंधित जानकारी मिलती है, निम्न में से किस वेद के अनुसार, तो यहाँ से मतलब क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। उसी तरह है अर्थवेद वराहम एरी के वर्त संहिता में मृदा वर्गीकरण, देख लो मृदा वर्गीकरण का इतिहास किसमें मिलता है, मृदा वर्गीकरण, सिंचाई प्रणाली, कृषि उपकरण, मौसम पूर्वानुमान की जानकारी किसमें मिलती है, तो ये वरा महिरी के अनुसार, तो ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है। मैं अब दूसरे पेज की ओर चलते हैं। अतः प्राचीन भारत में कृषि की नींव परंपरा ज्ञान को ही आधुनिक कृषि की उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ समाहित करके कृषि का समुचित विकास किया जा सकता है, इनकी संभावना जताई जा सकती है। कृषि की परिभाषा सब जानते हैं, मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा कि कृषि शब्द संस्कृत के कृष धातु से बना है, जिसका अर्थ खींचना, आकर्षित करना, जोतना, प्राप्त करना होता है। कृ प्लस इन, कृत अर्थात जुताई, खेती किसानी अर्थात कृषि से तात्पर्य जुताई करके फसल प्राप्त करना, एग्रीकल्चर कृषि लैटिन भाषा, ये ध्यान रख लेना, कृषि शब्द है जो लैटिन भाषा का शब्द है, यहाँ एग्री और एग्री तथा कल्चर से लिया गया है, दोनों मिला के एग्री और एग्री, एगर और एग्री और कल्चरा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्रमशः मृदा व कृषि कर्मण करना होता है, इतना आपको याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। वर्तमान आधुनिक भारत का इतिहास बहुत कम चांस है लेकिन पूछ ले। आधुनिक भारत कृषि विकास एक लंबा इतिहास रहा है, जहाँ की डॉक्टर MS रंधावा की पुस्तक भारत में कृषि का इतिहास, नोट कर लेना भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, भारत में कृषि इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर MS रंधावा, डॉक्टर MS रंधावा की पुस्तक का नाम है भारत में कृषि का इतिहास, इतना ध्यान रखना आपने। पूसा के बारे में पूछ सकते हैं थोड़ा यहाँ से, सन 1999 1919 के भीषण अकाल के दौरान देखते हुए समस्या को स्थानीय समाधान, कृषि के चहुंमुखी विकास के लिए सन 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1904 में, भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1904 में, तो ये ध्यान रखना है आपको। थोड़ा मैं इसको इधर नहीं करता हूँ, इधर करता हूँ ताकि आपको दिखने में दिक्कत नहीं हो, ये शायद यहाँ मेरा फोटो आ रहा होगा क्योंकि मुझे तो दिख नहीं रहा। तो भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना सन 1904 में हुई, सन 1905 में बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे कृषि शोध कार्यों के लिए क्लिप्स प्रयोगशाला की स्थापना, ये भी याद रख लेना, क्लिप्स प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई, बिहार के अंदर 1905 में, ये क्षेत्र पूसा, पिप्स ऑफ पूसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूसा स्थित कृषि संस्थान 1911 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नामकरण किया गया। यहाँ से भी पूछ सकते हैं, सन 1919 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के नाम से प्रचलित हुआ। इस संस्था का फसलों और पशु प्रजनन, पशुओं के प्रजनन, मादा मृदा विज्ञान, कीट एवं कवक विज्ञान एंड वनस्पति विज्ञान आदि के विषय में अनुसंधान के तो व्यापक रूप रेखा तैयार की। 7 नवंबर 1936 को बिहार में विनाशकारी बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पूसा इंस्टीट्यूट को दिल्ली में स्थानांतरण कर दिया गया, यानी कि जो पूसा में बनाया गया था उसे दिल्ली में स्थानांतरण कर दिया गया, जो कि आज ये किस नाम से जाना जाता है, कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के नाम से जाना जाता है। चलो ठीक है, ये तो आगे तो इसको छोड़ो आप, तो
हरित क्रांति पूछ सकते हैं आपसे। हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, यहाँ पे ध्यान रखना। डॉक्टर हरित क्रांति के जनक कौन थे? सन 1963 बोने गेहूं की नॉर्मल नवर्म ई बोरलॉग ने भारत का भ्रमण किया। बोने गेहूं के जनक, बोने गेहूं के जनक कौन है निम्न से? तो बोरलॉग है। अधिक उपज देने वाली किस्म तैयार करने के देश को खाद्य सुरक्षा, ये छोड़ो। 3070 पर कालांतर में इसको भी छोड़ो, इसमें से कुछ नहीं आएगा। अब ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आप लिख लो, पेन उठा के डायरी लिख लो और उनका मैं आपको विस्तार पूर्वक वर्णन बताता हूँ कि कृषि विज्ञान की कितनी प्रकार की ब्रांच होती है, उनका क्या क्या महत्व है, ये चीजें आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आती है सस्य विज्ञान, जिसे एग्रोनॉमी इंग्लिश में कहा जाता है, और ग्रीक शब्द एग्रोस, ध्यान रखिए एग्रीकल्चर लैटिन शब्द है, एग्रीकल्चर लैटिन शब्द से बना हुआ है, जबकि एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान, जहाँ एग्रोनॉमी इंग्लिश भी देख लेना, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान, जिसे जो कि ग्रीक भाषा का एग्रोस, एग्रोस ये देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, यह है एग्रोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड अर्थात खेत, नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी का जो ब्रांच है उसका अर्थ क्या होता है और ये किस भाषा से लिया गया है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से? ग्रीक भाषा से लिया गया है ज्यादातर यहाँ से, और इसका अर्थ क्या होता है ये नहीं पूछने वाला आपसे, मुझे नहीं लगता। ये कृषि की एक विशेष शाखा है जिसका फसल पर उत्पादन या मृदा प्रबंधन से सीधा सीधा एग्रोनॉमी का मतलब होता है खेती करना, जिसमें बुआई हो गया, जुताई हो गया, मिट्टी की स्वास्थ्य की संबंधित हो गई, उसमें फर्टिलाइजर हो गया, मतलब वो चीज हो गई। अब दूसरी ब्रांच आती है उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर, ये वर्तमान की तेज गति से बढ़ती हुई बागवानी या तेज गति के साथ में एग्रीकल्चर के अंदर इम्प्रूवमेंट, यूँ कहे कि सबसे ज्यादा इसके अंदर काम हो रहा है, इसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। बागवानी जिसके अंदर होते हैं, बागवानी में क्या क्या चीज आती है? तो फल उत्पादन, फल वाले पौधे आ गए, सब्जी उत्पादन और उससे संबंधित सारे कार्य आ गए, और फूल यानी कि पुष्प से संबंधित फूलों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि हॉर्टिकल्चर। इसको भी अलग अलग डिवीजन में फिर डिफाइन किया गया है, लेकिन अपना आपको याद रखना है कि हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है ये। पशुपालन में पशुधन उत्पादन, एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पशुपालन का वैज्ञानिक अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसको छोड़ो, यहाँ से नहीं आने वाला क्वेश्चन। ये याद रखना है आपको। एपिकल्चर मतलब आपके सामने आएंगे चार ऑप्शन, जैसे एपिकल्चर दे दिया, फिशरीज दे दिया, और उनको मिलावन करो कि कौन सा किससे रिलेटिव है। आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे एनिमल का दे दिया तो सामने आएगा पशु पालन संबंधित वैज्ञानिक क्रिया है, मधुमक्खी एपिकल्चर आ गया तो मधुमक्खी पालन वहाँ हिंदी में नहीं आएगा मुझे लग रहा है, ये याद रख लेना। आप एपिकल्चर लिखेगा वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो हिंदी वाले थोड़े ध्यान दें, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं आपकी बेनिफिट के लिए बात कर रहा हूँ। पिसरी, पिसरी मछली पालन को पिसरी भी लिख सकता है वो, तो आपको पता होना चाहिए कि पिसरी के अंदर मछली पालन और उसके उत्पादन संबंधित अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। शायद आपको इधर दिख रहा है या नहीं, इधर आता है सेरीकल्चर, वो रेशम कीट नहीं लिखेगा वहां पे, रेशम कीट पालन बहुत ही कम चांस है कि वो लिखे, सेरीकल्चर लिख देगा और उसका संबंध लिख देगा। इसका क्या अंदर रेशम कीट्स, सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट, क्योंकि वो रेशम कीट लिखेगा तो सीधा आंसर दे देंगे लोग, तो वो लिखेगा सेरीकल्चर का संबंध किससे है, यानी कि सेरीकल्चर का मतलब होता क्या है, तो आपको याद रखना है रेशम कीट, क्योंकि रेशम कीट तो वो लिखेगा नहीं, तो सेरीकल्चर हिंदी में लिख सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। लाख, लेक कल्चर, तो यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं, लाख का उत्पादन सेम आंसर होगा उसका, लाख। और फॉरेस्ट्री, इसके अंदर पौधे, फॉरेस्ट वनों के अध्ययन किया जाता है। मशरूम, ये इंपॉर्टेंट है, मशरूम आजकल मतलब इतनी फेमस हो रखी है कि आप मशरूम का क्वेश्चन आ सकता है सीधा, खाने वाली मशरूम को क्या बोलते हैं? ढींगरी मशरूम के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, ढींगरी मशरूम के नाम से जानते हैं। और मशरूम प्रोडक्शन, मशरूम जो दो तीन प्रकार की होती है उसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। कुकुट पालन, पोल्ट्री, कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी, इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। पादप रोग, प्लांट पे तो इसमें विभिन्न रोगों का जो पौधों पर होते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, किस तरह फैलते हैं उनको नियंत्रण। और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन,
ये होती है कृषि प्रसार, कृषि से संबंधित नवीनतम जानकारी को किसानों तक खेत तक पहुंचाना ही एक्सटेंशन कहलाता है। कृषि अर्थशास्त्र इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इसमें आय की लागत, कृषि की लागत, आय की गणना आदि के मतलब अध्ययन किया जाता है। भारतीय कृषि का महत्व, अब ये आपको क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा नहीं इसलिए मैं यहाँ आपको नहीं बताऊंगा, इतना डीप में जाने की मतलब भी नहीं है। आप इसके बारे में थोड़ा, चलो ठीक है इसको रहने दो, ये क्वेश्चन देख लो आप, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर की भारत में कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है, तो आपको 70% सीधा आंसर है। किस नदी पर शोध द्वारा प्रमाणित हुआ कि प्राचीन काल में भारत में एक साथ दो फसल, तो ये सरस्वती नदी, याद रख लेना। कौन सी नदी? सरस्वती। अर्थवेद के अनुसार जानकारी दी गई, अर्थवेद में है पादप वृद्धि, पादप पादप सुरक्षा, याद रखना अर्थवेद में दिया था पादप सुरक्षा। वही कृषि उपकरण मौसम पूर्वानुमान का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है, तो ये वरा, हाँ वरा मेरी के अंदर ये मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर डी है। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक किया गया साहब आपको रंधावा, डॉक्टर एम एस रंधावा। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर एम एस रंधावा ने। तो ये आपको सीधी सीधी क्वेश्चन यहीं पे भी मिलते हैं, लेकिन इनमें से भाई थोड़ा ध्यान चैन, टिप्स प्रयोगशाला की स्थापना 1904 में हुई थी बिहार में, तो ये आपको ध्यान रखना। ये आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ, थैंक यू, बने रहिए आप भी।